साकेत कोर्ट के अंदर गोली चली है और जिनके सामने ये वारदात हुई है वो लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका और कब क्या देखा आपने? मेरा नाम गोविंद है भाई। हमने ये देखा कि वो उस बंदे ने आया, उस लेडीज को पकड़ा। जब उस लेडीज को पकड़ा तो हमने उसको छुड़ाया। जब हमने छुड़ाया तो वहाँ पे सीढ़ियों पे जो बैठे हुए थे वकील, उन्होंने कहा तुम कौन हो? जब हमने उसकी तरफ देखा तब वो हमसे छूट के पिस्टल निकाल ली उसने, और फिर वो हाँ फिर भगदड़ हो गई जब पिस्टल निकली तो। हाँ जी, फिर उसने गोली चला दी। आप लोगों ने क्या उस वक्त रोकने की भी कोशिश की? करी थी रोकने की, तभी तो निकाली है उसने पिस्टल, हमारा माइंड डाइवर्ट करके। किस कोर्ट नंबर के पास हुआ है ये सामने हुआ है भैया? जहाँ से एंट्री होती है, जहाँ से मैं वहाँ पर थी, हम भी कोर्ट में आए हुए थे। ये जो हमलावर था वो किन कपड़ों में था? क्या वो वकील की ड्रेस में था जी? एक लेडी था, वो भी छुड़ाने को, वो जो वकील थी उसने भी छुड़ाने की कोशिश करी। जब उसने पिस्टल दिखाई तो उसने पिस्टल ऊपर कर दी उसकी। हाँ, वकील की वर्दी में था ये अटैकर। हाँ जी। और क्या उम्र थी, क्या अधेड़ उम्र का व्यक्ति था? जुड़ा है जी, सफेद बाल है। ये बात कही जा रही है कि रिश्तेदार हो सकता है उस महिला का, क्या ऐसा कुछ लगा आपको? महिला पहचान रही थी? पहचानते हैं जी, वो उनके उनका आपस में कोई केस है, पैसे का लेन देन है। महिला पहचान रही थी हमला? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो आज तक पे आप इस वक्त हम उन लोगों से आपको बात करा रहे हैं जिन्होंने इस अटैक को, इस हमले को देखा है। साकेत कोर्ट के अंदर गोली चली है, एक महिला को गोली लगी है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं इस वक्त साकेत कोर्ट के अंदर की तस्वीरें, जहां पे चार गोलियों के राउंड्स ने पूरे दिल्ली को दहला दिया है। ये पहला वारदात नहीं है। इस वक्त देखिए दिल्ली पुलिस के जवान आपको दिखाई देंगे, बैरिकेड्स दिखाई देंगे, और इसके साथ साथ एक दिल्ली पुलिस की वैन है जो साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर इस वक्त राउंड लगा रही है। सिक्योरिटी निश्चित रूप से बीफ अप कर दी गई है, लगातार चेकिंग हो रही है। लेकिन बड़ी और अहम खबर यह है कि आज तक पे चश्मदीद हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने अटैक होते हुए अपने आंखों के सामने देखा है। एक व्यक्ति था जो काले कपड़ों में था, वकील के ड्रेस में था, और उसने पहले तमंचा निकाला, बंदूक निकाली, जिसके बाद सब घबरा गए। पहले महिला को बचाने की कोशिश की गई और तमंचा निकालने के बाद लोग घबरा जाते हैं, और फिर वो चार गोलियां चलाता है, चार राउंड गोलियां चलाता है, महिला को घायल करता है। ये तमाम खबर इस वक्त निकल के आ रही है। और आज तक चश्मदीदों ने यह भी कहा कि महिला असल में इस अटैकर को पहचानती थी, नोन था वो अटैकर महिला को जिस पर हमला हुआ। इस वक्त उस महिला को जिस पर हमला हुआ उसे सीधे एम्स ले जाया गया है शुरुआती मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। वीडियो सहयोगी दलवीर के साथ में अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।